बिहार सरकार के तरफ से जो जल नल की योजना पंचायत में पहुंचाई गई है वार्ड मेंबर के थ्रू, पीएसडी के थ्रू, तो आपको इस पानी का कितना लाभ मिल रहा है योजना का? कोई लाभ नहीं। आप एक लाइन में बोल दिए, यहाँ पे पूरे में पाइप बिछा हुआ और पाइप बिछा हुआ है, हमारे यहाँ से ना 5-6-7 महीना से पानी नहीं आ रहा। तो ये कौन पंचायत हुआ जहाँ पानी ना? 5 नंबर वार्ड। कौन? मुरादपुर बांगरा। अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय मुखिया जी हैं उनको आप लोगों ने जाके कहा कि नहीं? और वार्ड मेंबर को? बहुत बार वार्ड मेंबर मुखिया जी के सबको कहा। क्या कहा उन्होंने? बोला कि नया पाइप बिछेगा तब होगा, नया पाइप बिछेगा तब। तो अब जो ये पाइप बिछा हुआ है इसका, इसके बारे में नहीं पूछा कि इस पाइप का क्या होगा? रोड जो बना था ना उसे चपा गया, वो उसे चपा गया। तो यहाँ कितने घर होगा यहाँ पे जिसको पानी नहीं मिला? 35-40 घर है। 40 घर है, 35-40 घर। तो और जो यहाँ पर शंभू जी उनको बस मकसूद अपने सब जितना हुआ काते काते। अभी बिहार सरकार की तरफ से जो जल नल योजना आई है उसका आपको लाभ कितना मिल रहा है? लाभ कुछ नहीं मिला। लेकिन आपके पंचायत में तो आपके वार्ड में पाइप वगैरह बिछ गया है और टंकी उंकी भी बन गया, तब आप कैसे करें लाभ नहीं मिल रहा? तो पानी हम लोग का कहाँ मिल रहा है? पानी सोचे खाली नल लगा दिया है, पानी नहीं गिर रहा है। मतलब नल लगा दिया, पानी नहीं आ रहा, नहीं रहा। कितने दिनों से इसकी समस्या है? करीब रमजान से 4 महीना हो गया, 4 महीना से ऊपर से, 4 महीना से ऊपर। रमजान से तो ये रोड बनने के बाद तो समझ लीजिए कि वो पाइप ही दब गया, उसमें तो आता ही नहीं, और उससे पहले भी समस्या था इसका। मुखिया कहते उन्हें सुनता है, वार्ड मेंबर कहते उन्हें सुनता है। एक एक करके बोलिएगा तो समझ में आएगा। ये बताइए कि ये 4 महीना 5 महीना जो बोल रहे हैं तो फिर पानी आप लोग कहाँ से ले रहे हैं? 4 महीना 5 महीना से, इससे पहले तो सरकार जनरल का योजना किया, इससे पहले तो वो ट्यूबवेल था ना गांव में, तो ट्यूबवेल से काम चलता है अभी सबका, और उससे भी पहले ये 4 नंबर में उस तरफ से 5 ही नंबर में 2 बोरिंग गारा हुआ है। 5 नंबर वार्ड में, हर वार्ड में एक एक गारा हुआ है, 5 नंबर में 2 गारा हुआ है, एक उस तरफ गारा हुआ है पंचायत के नाम पर, एक मस्जिद के नाम पर इधर गारा हुआ है, और बीच वाला टोला में कहीं पानी नहीं है। तो यहाँ जो आपकी जो ये 5 नंबर वार्ड है, कितने घर इस पानी को लेके वंचित है? ये लगभग 35 घर है। 35 घर है। स्थानीय मुखिया को आपने कंप्लेन भी किया? कंप्लेन तो मतलब कि कई बार फोन से भी कहे, उसको कहे कि आप आकर के देखिए, तो वो कहा कि मेंबर से बतियाइए, मेंबर कहता कि मुखिया जी से बात कर लेते हैं उसके बाद काम हो जाएगा। अब मुखिया को कई बार कहता कि ये देख, लेकिन अब तो चुनाव नजदीक आ गया, अब तो चुनाव नजदीक सारा मामला खत्म हो गया। उसके दिल में ये है कि ये लोग बुड़बक आदमी है, ये लोग हमारा कंप्लेन नहीं कर सकता है, कुछ ये लोग से होगा ही नहीं, तो वो इसलिए बेफिक्र है और सोचता है कि अगर कोई छोटा मोटा कंप्लेन भी होगा तो हम आगे मैनेज कर लेंगे ना। अच्छा, इंदिरा आवास का तो लगभग अभी वो पहले जो स्कीम पास हुआ था ना उसका तो काफी लोगों को मिला है, और अभी जो नया हुआ है उसको अभी किसी को, लेकिन सबका नाम है कि हो सकता है मिल जाएगा उसमें। तो इसमें क्या कुछ पैसा वैसा लेने की भी कहीं से बातें हैं कि गरीब को जो मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इसमें पैसा वैसा का भी डिमांड करता है? पैसा का डिमांड जो है ना वो चोरी छिपी से लेता है, और अभी जो नया स्कीम पास हुआ है उसका कोई अभी ये नहीं कि हाँ कौन लेगा क्या होगा, हो सकता है। क्या नाम है आपका? ये हमारा नाम मुबीन है। ये पंचायत और वार्ड बता दीजिएगा। ये बंगरा पंचायत हुआ, वार्ड नंबर 5, मोहम्मद सलाम। तो ये काफी दिनों से पानी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या पानी की है। खराब सरकार की तरफ से जो जल नल की योजना आई है उससे आपको कितना लाभ मिल रहा है और कितना खुश है आप? रोड से जब से बनी है पाइप का प्रॉब्लम की वजह से पानी नहीं आ रहा है, हम लोग वार्ड मेंबर को बोला है, वार्ड मेंबर बोल रहा है कि नए तरीके से लगाएंगे तो फिर पानी आएगी। रोड बनने की वजह से इसका पाइप नीचे का फट गया है, इस वजह से पानी नहीं आ रहा। कितने दिनों से दिक्कत हो रही है आपको? करीब 2.5-3 महीने। ये कौन सा पंचायत हुआ? ये बंगरा पंचायत है। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 5। तो अब जो सरकार की योजना है इससे आप कितना खुश है? पानी नहीं आ रही तो खुश कैसे रहूंगा। पानी कहाँ से लाते होंगे आप लोग? हम लोग अपना कल से पानी लेते हैं। लगभग कितना इस वार्ड में घर होगा? इस वार्ड में 5 नंबर वार्ड में करीब 150 के करीब घर होगा। और यहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं, यहाँ के वार्ड मेंबर क्या कहते हैं इस समस्या को लेके? इस समस्या को कहते हैं कि रोड बनने की वजह से पाइप फट गया है, इस वजह से पानी नहीं आ रहा। तो वो तो नहीं आ रहा, लेकिन क्या कह रहे हैं कि पानी आवे नहीं करेगा या नहीं आएगा? वो बोल रहे की आएगा, अभी नए तरीके से फिर बनेगा तो आएगा, नए तरीके से बनेगा तो फिर आएगा। तो ये समस्याएं आप लोगों को 150 घरों को है। अब सरकार से क्या मांग करते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? चाहिए पानी, चाहिए।
अब तो चुनाव भी नजदीक आ गया है। हाँ, चुनाव की वजह से अभी हम लोग सोची रहते कि रास्ता जाम कर दे। रास्ता जाम करना मसले का निदान है? क्या करेंगे, तो बड़े ओहदे पे जा भी नहीं सकते हैं। आप ताजपुर में जो आपके वीडियो साहब है उनको हाँ। जाके आपने कहा कि नहीं? नहीं, अभी तो हम लोग वार्ड मेंबर ही को कहा है। तो वहाँ एक बार कहिए, सड़क जाम करना ये मसले का निदान नहीं है। क्या नाम हुआ आपका सर? मोहम्मद अमजद अली बरकाती। पानी की समस्या कितने दिनों से है आपके यहाँ? सरकार की जो योजना आई है बिहार सरकार की जल नल योजना, इसका कितना लाभ मिला है आपको? कुछ लाभ नहीं है। आपके बगल में तो पानी का वो लगा हुआ टोटी, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। तो टोटी तो लगा हुआ है ना, टोटी में पाइप लगा हुआ है। हमने कहा जो नहीं चलता तो लेगा ये टोटी फाड़ कर। कितना दिनों से समस्या है, पानी नहीं आ रहा है आपके यहाँ? 3 महीना उधर बंद हुआ है, इधर महीना इन सबसे बंद है। क्या महीना दिन चला है और फिर गुम? क्या बंद होने का क्या कारण है? आप लोग पूछे नहीं है, वार्ड नंबर न जानेगा। अरे भाई, ये पूछे नहीं है वार्ड मेंबर से? क्या पूछे हमने, ट्यूबवेल है जो हम लोग जान बचता है, 1,500 रुपया उसमें खर्च किया है, उसमें पानी पीते हैं। तो ऐसे कितने घर होंगे यहाँ पे? घर तो बहुत है। कितना लगभग? 100 घर से ऊपर है। सभी का यही हाल है, सब कहीं ना कहीं पानी के लिए परेशान है, लाइन लगाया रहता है। वही मान लीजिए ट्यूबवेल से पानी पीता है। आप ही के ट्यूबवेल से? क्या नाम हुआ आपका? ट्यूबवेल है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है सल्फी राम। ये पंचायत कौन सा हुआ? बंगला पंचायत है। कौन? मुरादपुर बंगला। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर शंभू है। आपका वार्ड नंबर कितना है? ये वार्ड नंबर 5 है। सरकार की जो ये बिहार सरकार की जो योजना है जल नल योजना, इसका लाभ आपको कितना मिल रहा है? लाभ वही एक महीना पानी चालू रहता है, 3 महीना 4 महीना बंद रहता है। तो फिर पानी आप लोग कहाँ से लाते हैं? कहाँ से, कल करवाए हुए हमें पानी ठीक करा कर पाई मिस्त्री ला कर अपना यहाँ पानी पीते हैं। वही 20 फीट 40 फीट पानी गरवा कर वही ऊपर के पानी पी रहे हैं, खराब पानी मतलब हो रहा है घर में। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों ने इसकी शिकायत वार्ड मेंबर या मुखिया को किया कि नहीं, स्थानीय मुखिया को? कर रहे हैं, हम लोग का वैल्यू नहीं, वैल्यू नहीं दे रहा है। कितने घरों में इस तरीके की समस्या होगी यहाँ पे आपके वार्ड में? कितना घर होगा लगभग? यहाँ 40 घर है। 40 घर है। ये वार्ड कौन सा हुआ? 5 नंबर रातपुर बंगरा। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? आपको बिहार सरकार की जो योजना है जल नल योजना, क्या इसका लाभ मिल रहा है आपको? नहीं। लेकिन टोटी तो लगा हुआ दरवाजे पर? 2 दिन मिले छे, 2 दिन न मिले छे, 8 दिन मिले छे, 2 महीना न मिले छे, 1 महीना पानी न मिले छे। अब पीछे में तो बोरिंग भी गड़ा हुआ आपके, पानी टंकी भी बना हुआ, पानी टंकी बना हुआ है ना आपके सामने में पीछे? तो फिर आप बोल रहे हैं क्या कारण क्या है पानी न मिलने का? मोटर खराब है या रिचार्ज नहीं है क्या? रिचार्ज खत्म हो जाए, 1,000 के चाहे 1,500 के करवा, 8 दिन में खत्म हो जाए। आप लोग महीना वगैरह भी देती है? उधर दिलिए रहे एक बार दिए थे महीना। क्या नाम हुआ आपका? कितना घर होगा यहाँ पे लगभग? अपना 4 गो है। हाँ बोलिए ना, लगभग कितना घर होगा आपके नजर में? 40 घर होगा। पानी का आप लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं? बिहार सरकार की जो योजना है जल नल योजना, आपके पंचायत में कितने लोगों को लाभ मिल रहा है? यहाँ पर है 80 घर होगा, 80 घर में होगा, उसमें से कभी पानी चलता है कभी नहीं चलता है। क्या कारण है न चलने का? क्या कारण है, रिचार्ज कराते हैं तो 4 दिन में खराबे हो जाता है, कहते हैं ये खराब है, मिस्त्री आता है बनाता है, 4 दिन चलता है, 4 दिन बंद रहता है। कल है तो देखते हैं, हम लोग कॉल कराए ले हैं, कॉले से लाभ उठा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि सरकार का जो पैसा है ये सारा बर्बाद हो गया? तो बर्बाद नहीं हुआ, ये पानी चलबे नहीं करता है, तो ये स्वस्थ पानी सरकार ने चालू किया, गरीब के पास पानी नहीं आता तो बर्बाद नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? सुनील राम। ये पंचायत कौन सा हुआ? बंगरा पंचायत मुरादपुर। वार्ड नंबर 5। बढ़िया गाड़ी किन किन करके घूमेगा सब, गरीब को पीने का पानी मिलेगा।